आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। लोकसभा चुनाव 2019 का ऐलान हो चुका है और पहले चरण में बिजनौर जिले में 11 तारीख को होने हैं। इसी के चलते राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप की बौछार शुरू हो गई। बिजनौर में चुनाव आते ही पार्टियों के प्रत्याशियों ने पुराने आरोपों की झड़ी लगा दी। आइए देखते हैं पूरा मामला। चुनाव नजदीक आते ही सारे सियासी गलियारों में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप झाड़ियां शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि सारी दुश्मनी इसी समय निकल जाएगी। ताजा मामला बिजनौर जिले का है, जहां चुनावी बाजार काफी गर्म हो चुका है। नसमुद्दीन सिद्दीकी के जोकी काफी कदावर नेता रहे, जिसे कांग्रेस ने बिजनौर जिले की कमान सौंप रखी है। बिजनौर पहुँचते ही चुनावी घमासान छिड़ गया। आज बिजनौर जिले में अचानक आरोप उस समय लग गया जब सिद्दीकी साहब दोबारा कलेक्ट्रेट परिसर पहुँचे और मीडिया सामने सारा टुकड़ा रो दिया। आपको ये भी बताते चले कि एन मौके पर बीएसपी के मलू नागर को कमान बिजनौर जिले की सौंपी गई है और नामांकन के समय ही कमियां पाई गई और आपत्ति जताई गई अन्य पार्टियों के द्वारा। इसी मुद्दे पर सिद्दीकी साहब ने ये कह दिया कि जिस आदमी को मैंने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, आज वही मुझे बता रहा है। मीडिया ने जब मालू नागर से सवाल जवाब किया तो बीएसपी प्रत्याशी नजरें चुराने का प्रयास किया और घबरा गए। आखिर क्यों करना चाहते हैं नागर सिद्दीकी साहब के साथ ऐसा? क्योंकि नागर साहब को ये तो आपको पता होना चाहिए कितने बड़े नेता रहे सिद्दीकी साहब और कितना बड़ा पद रहा है पिछली पार्टी में, और आज इनकी बिजनौर आने से गठबंधन प्रत्याशी घबरा गए। जिनके पर्चे मैंने अपने हाथ से 25 साल भर के पास करवाए, जिन लोगों के पर्चे मैंने 25 साल तक अपने हाथ से भरे और पास करवाए, बड़े अफसोस की बात है कि आज वो मेरा पर्चा खारिज कराने के लिए फेल हो गए। मुझे सिर्फ ये कहना है कि जो मैं तेरे लिए ज़िंदगी भर करता रहा, ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। क्या कहने भाई, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी सिद्दीकी साहब, इसमें क्या मायने? ये उम्मीद नहीं थी मुझे कि इस हद तक लोग जाएंगे, और वो लोग जाएंगे कि जिनके लिए मैंने अपनी बेटी कुर्बान कर दी, जिनके लिए मैंने अपनी इकलौती बेटी कुर्बान कर दी, वो लोग इस हद तक जाएंगे। आज भी मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, इसका सिला ऊपर वाला खुदा भगवान ईश्वर बाय गुरु या जो भी होंगे वो देंगे, इस चुनाव में भी देंगे और सारी ज़िंदगी देंगे। मैं तो सब्र करता हूँ, और हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी सब्र करते हैं, और हमारे लिए इन्नल्लाह मा साबरीन, सब्र करने वाले के साथ खुदा है। लेकिन उनकी जो साजिश थी, वो आज तो कामयाब हो गए, पूरी बात में जाइएगा, उनकी जो साजिश थी आज तो वो कामयाब हो गए। उनकी नियत का मुझे पता चल गया, उनको सबसे बड़ी उनकी पहले साजिश थी कि मेरे जो आज कार्यक्रम लगे थे, मैं उन कार्यक्रमों में ना जा पाऊँ, ताकि जिनके यहाँ मेरे कार्यक्रम लगे हैं उनके यहाँ वो जाके कह सकें कि या ऐसे ही करेंगे पूरे चुनाव में, अभी नहीं आ रहे हैं तो उसके बाद क्या आएंगे। 7 प्रोग्राम, अभी तक 6 थे, अब 7वां हो गया। 7 प्रोग्राम मेरे ऐसे थे आज जहां मुझे जाना था, हजारों लोग इकट्ठे थे, मैं नहीं जा पाया। पूरे दिन सीरियल वाइज आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, एक आपत्ति लगा रहे हैं, और इसके बाद जब उसका जवाब हमने दे दिया, मेरे दफ्तर से जवाब जा रहा है, 1 घंटे के बाद दूसरी लगा दी, 1 घंटे के बाद तीसरी लगा दी, 1 घंटे के बाद चौथी लगा दी। ये एक सोची समझी साजिश है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि बिजनौर के लोगों, ऊपर खुदा है, अल्लाह है, ईश्वर है, भगवान है, नीचे आप हो। ऐसे लोगों को ऐसा जवाब मिलना चाहिए कि ये अच्छी तरीके से याद रखें, कभी बिजनौर की तरफ इन्होंने पहले भी नहीं देखा, अब भी नहीं देखेंगे। इनको अच्छी तरीके से ऐसा सबक सिखा के भेजो कि ये जिंदगी भर याद रखे। सिद्दीकी साहब, क्या इसमें मायावती का हाथ है साजिश में? देखिए, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कही नहीं जाती हैं, और हमारे सेनापति, मैं आर्मी में था, हमारे सेनापति अगर हमको बुलाते थे, जो कहते थे वो करते थे।
और मुझे ये विश्वास है कि मेरा सेनापति मुझसे कहता है कि अपना वेपन लगा निकालो और इसमें हमारा हित है और अपने आप को शूट कर लो, तो मैं अपने आप को शूट कर लेता। बाकी आप समझदार हैं, बाकी आप समझदार हैं, ये बड़ी लंबी साजिश है, बड़ी ऊपर की साजिश है, लेकिन उसके सोची समझी साजिश है, लेकिन उसके बाद भी मेरी उनके लिए दुआएं हैं, मेरी उनके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उन्हें फिर भी सद्बुद्धि दे। और एक गुजारिश है कि ऐसा किसी के साथ मत करना, खास तौर पर उसके साथ कि जिसने तुम्हारे लिए अपने बच्चों को कुर्बानी दे दी, बच्ची मर गई और तुम्हें चुनाव लड़ाता रहा, मरने के बाद तुमने कहा दफनाने मत जाओ, दफनाने ये नसीबुद्दीन सिद्दीकी नहीं किया। लेकिन वो ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ी माइनर मिस्टेक है, इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का नाम इन्होंने इस तरीके से दिया है, मतलब कि ये ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। कैसी गलती? पार्टी का नाम जो चुना आयोग का आदेश है वो आप ले लीजिए, उसको पढ़ लेंगे आप, चुनाव आदेश, चुनाव आयोग के आदेश को, कोई गलती नहीं की गई। चुनाव आयोग ने, चुनाव आयोग को सालों पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से लिख करके भेज दिया गया था, सारे अधिकारियों ने उसको मानते हुए उसको अप्रूवल देने के लिए रिकमेंडेड कर दिया था और वो सारे लेटर ला करके हमने यहाँ लगा दिए, कोई गलती नहीं थी। अंग्रेजी में इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं। और यही आज आरओ साहब ने कहा, ये कहीं उनकी बौखलाहट तो नहीं है गठबंधन के उम्मीदवार जो हैं बसपा के? अजी बौखलाहट तो उस दिन से चल रही है जिस दिन से आप लोग पेपर में टीवी में दिखा रहे हो, इसमें तो आपका कसूर है, मेरा कसूर नहीं बौखलाहट है, आपने इतना ज़्यादा दिखा दिया। भले हालांकि मैं आभारी हूँ इसके लिए, कसूर का मतलब आप समझ रहे हैं, मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ कसूर की शक्ल में, आपने इतना ज़्यादा दिखा दिया कि समीकरण बिगड़ गया, अब संतुलन बिगड़ गया। हमने आरोप लगाए हैं या जो पर्चे में खामियां थी वो हमने लिखित में निर्वाचन आयोग के जो बैठे हैं आज प्रेजाइडिंग ऑफिसर वहाँ पे दे दी है, उसमें क्या है आप पूरा डिटेल में पढ़ लो, और जो हमें लगा है हमने कहा है उसमें, और अभी निर्णय जो है, डिसीजन जो है वो आया नहीं है, लिखित में आ जाएगा, उसे देख लेंगे, उसकी हम भी सम्मान करेंगे। जैसे सर वो बहुत पुराने नेता हैं, तो आपको लगा कि वो पर्चे में ऐसा गलती कर सकते हैं? प्रश्न कैसा है, देखिए क्या है, गलती कहाँ पे होगी, पर्चा किसने भरा है, कितनी जल्दी में भरा है, अभी वो आज की तारीख में भी विधायक हैं और बीएसपी से विधायक हैं, और अभी जो फैसला है अभी वो आना बाकी है, तो पता लग जाएगा उसमें। जब आपकी ही पार्टी से सर वो विधायक हैं तो आपके सुप्रीमो ने, हाँ, उन्होंने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ? हमने शिकायत की थी। अच्छा, एक सवाल इसमें आता है कि उन्होंने एक सर ये बीच में रह गया प्रश्न, जी 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 सर, कोई नहीं बताइए सर, जी जी, कि उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया एक्शन सर सुप्रीमो ने आपकी? वो पिछले दिनों उसके बारे में वहाँ पे डाली गई थी एप्लीकेशन, और हमारी पार्टी में ज़्यादातर मुँह जवानी निर्णय ले लेते हैं, तो वो ऑलरेडी पिछले दिनों विधान परिषद में शायद पेंडिंग था, उसकी मुझे पूरी डिटेल में जानकारी नहीं है, लेकिन एक जगह सदन में अगर वो विधायक है आज भी, तो वो बसपा के पद पे जीते थे और दूसरी पार्टी से आज चुनाव वो लड़ रहे हैं, तो जो दल बदल कानून है उसके हिसाब से वो कैंसिल होना चाहिए, हमने अपनी बात रखी है, और कितना मानते हैं कितना नहीं मानते हैं निर्णय आना बाकी। एक आखिरी सवाल है, उनका दर्द ये भी छलक करके सामने आया कि जिस पार्टी के लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, सारी चीज़ें कर दी, आज वही पार्टी मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप की घड़ी लगा रही है, इस पर आपको क्या कहना है? अरे ऐसे आदमी का जो अपने वरिष्ठ नेता जिसको वो कहता है कि देवी है मेरे लिए, और वो झुक करके हमेशा उनके सामने रहा, जिसको बिल्कुल सड़क से उठा के कितने 8-8 मंत्रालय दिए, उसका फोन टेप करके जिसने साधनिक कहा हो, जिसने अपशब्द कहे हो, अभी भी वो उम्मीद ये रखते हैं कि उनके बारे में कुछ ना कहा जाए। सर माना जाए तो उनका ये भी कहना है कि उनके बिजनौर से आने से आप लोग काफी घबरा गए हैं, तो क्या है सर पूरा मामला? कहना है सुनिए, दो बार की सांसद,
जयाप्रदा, इनसे बहुत ज्यादा ग्लैमरस, बहुत ज्यादा नामचीन और 2014 का यही बिजनौर लोकसभा और यही हम कैंडिडेट वो 23,000 पे सिकुड़ गई थी। और यहाँ का मुस्लिम मतदाता बहुत जागरूक है, वो तो 23,000 पे सिकुड़ी थी, ये तो 7-8,000 पे सिकुड़ जाएंगे। इस बारे में मैं क्या कहूँ ज्यादा।